चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष के बीते 6 माह में ही भाजपा की सरकार ने 6,500 करोड़ रुपयों का नया कर्ज ले लिया है। इस कर्ज के साथ सरकार की स्थिति दिवालियापन की ओर बढ़ गई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया है कि घोटालों और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार की छवि को चमकाने और अपनी ब्रांडिंग करने के लिए मुख्यमंत्री सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं और बार बार कर्ज लेकर प्रदेश को वित्तीय संकट की ओर धकेल रहे हैं। मीडिया कमेटी की अध्यक्ष शोभा ओझा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि कांग्रेस के समय में मात्र 35,000 करोड़ के कर्जे से सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को यह बताने का काम करें कि सरकार लगातार रूप से जो कर्ज ले रही है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है। उल्लेखनीय है कि इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार 1,60,871 करोड़ रुपए की कर्जदार है।